दोस्तों ये रहा स्ट्रेंजर का PBT-701 एम्पलीफायर, और इस एम्पलीफायर में अभी ओवरलोड का प्रॉब्लम आ चुका है। ये देखिए हमने बोर्ड पे लाइन दे रखा है, और अब मैं आप लोग को ऑन करके एक बार दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर केवल ओवरलोड वाला इंडिकेटर जल रहा है और ये पावर ऑन वाला इंडिकेटर नहीं जल रहा है। इसे फिलहाल बंद कर देते हैं। और अब दोस्तों इसे मैं सीरीज बोर्ड से चेक करूँगा। ये देखिए हमें सीरीज बल्ब भी लगा के रखा है। तो दोस्तों आज का वीडियो में आप लोग को स्टेप बाय स्टेप कैसे रिपेयरिंग करना है, कहाँ कहाँ कितना वोल्ट चेक करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमने इस ढक्कन को हटा दिया ऊपर से, और अब यहाँ पर हम इसे ये देखिए सीरीज वाले लाइन पे हम डाल दिए हैं। और अब जैसे ही एम्पलीफायर का स्विच हम ऑन करेंगे, ये देखिए दोस्तों सीरीज बल्ब जो कि पूरा वोल्टेज में जल रहा है, इसका मतलब एम्पलीफायर में कहीं शॉर्टिंग है, ये पक्का है। दोस्तों यहाँ पर दो फॉल्ट हो सकता है। एक तो यहाँ पर ये देखिए जो ब्रिज रेक्टिफायर आप लोग को दिख रहा होगा, ये ब्रिज रेक्टिफायर शॉर्ट हो सकता है, या दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पर ट्रांजिस्टर से आ सकता है, जो कि ट्रांजिस्टर खराब होने पर, ट्रांजिस्टर शॉर्ट होने पर ये देखिए शॉर्टिंग आ जाता है। आइए दोस्तों मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप चेक करने के लिए बताता हूँ कि इसे पहले चेक कर लेना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों ये पावर ट्रांसफार्मर है, और पावर ट्रांसफार्मर से दो येलो कलर की वायर आ रही है। ये दोनों वायर यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर पे आई है। यहाँ पर इन वायर को हटा लेना है, पहले खोल लेना है। इसके बाद यहाँ पर मीटर से हम कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। अगर ये दोनों ब्रिज रेक्टिफायर वाले डायोड सही रहें तो आगे ट्रांजिस्टर की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर इन दोनों वायर को खोल लेना है, और यहाँ से हमें पहले ब्रिज रेक्टिफायर को चेक कर लेनी है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने दोनों वायर को जो कि ट्रांसफार्मर से आया था, इन दोनों को हमने हटा दिया है, और अब यहाँ पर दोनों ही डायोड को हम चेक करेंगे। दोस्तों अगर यहाँ पर कोई एक डायोड भी खराब निकला तो यहाँ से भी शॉर्टिंग हमारी हो सकती है। तो यहाँ पर हम पहले दोनों डायोड को चेक करेंगे। तो चलिए पहले चेक कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा दोस्तों यहाँ पर मीटर, जिसे हम कंटिन्यूटी रेंज में सेट कर लिए हैं। और अब ये देखिए आप यहाँ पर बीप सुन सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये कंटिन्यूटी रेंज पर सेट है। और अब यहाँ पर हम इसे चेक दोस्तों यहाँ करेंगे। पर हम ब्रिज रेक्टिफायर को चेक कर लिए हैं। ब्रिज रेक्टिफायर बिल्कुल सही है, यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर चेक करने के बाद फिर हम चेक किए दोस्तों, तो एम्पलीफायर में अभी भी शॉर्टिंग अवेलेबल है। ये देखिए अभी भी हमारा जो सीरीज बल्ब है ये जल रहा है। तो चलिए आगे हम चेक करते हैं ट्रांजिस्टर को। तो यहाँ पर दोस्तों वापस से ये जो पावर ट्रांसफार्मर वाले दो वायर थे, इन्हें वापस से यहाँ पर सोल्डिंग कर देंगे डायोड में, और अब आगे ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे। तो फाइनली दोस्तों हमने इस पैनल को बाहर निकाल लिया है, जो कि काफ़ी दिक्कत हुआ हमें इस बॉडी से बाहर निकालने में, लेकिन फाइनली निकाल दिया है। और अब यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोग को चेकिंग करने के लिए बताता हूँ कहाँ से आप लोग को कंटिन्यूटी चेक करना है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं अपने मीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे सेट कर देता हूँ, और यहाँ पर रख देता हूँ मीटर को। ये देखिए मीटर हम यहाँ पर रख दिए, कैमरे में बिल्कुल अच्छा से नज़र आ रहा होगा। और अब मैं आप लोग को कंटिन्यूटी चेक करा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों आप लोग को बीप सुनाई दे रहा होगा, ये देखिए अभी बीप कंटिन्यू है। तो अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को प्रत्येक ट्रांजिस्टर को चेक करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 5, 5, 10 ट्रांजिस्टर ऊपर और नीचे होते हैं, तो यहाँ पर कोई एक खराब होगा जिसके कारण पूरा ये शॉर्ट हो रहा है और एम्पलीफायर अभी शॉर्टिंग में है। ये रेजिस्टेंस ओपन करने होंगे, उसके बाद चेकिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सारे रेजिस्टेंस को हम ओपन कर देते हैं दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों हमने सारे रेजिस्टेंस को ओपन कर दिया ट्रांजिस्टर से, और अब एक साइड से ट्रांजिस्टर को हम चेक करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों ये जो रेड वाला प्रोड है इसे रखते हैं यहाँ पर बीच में, और यहाँ पर ट्रांजिस्टर को चेक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अभी भी शॉर्टिंग हमें आ रहा है, तो यहाँ पर इस जो येलो वाला वायर है इसे भी हम हटा लेंगे सारे ट्रांजिस्टर से।
पांच ट्रांजिस्टर को ओपन कर दिए हैं, और अब यहाँ पर पांचों ट्रांजिस्टर को पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये रेड वाला प्लॉट रखते हैं बीच में, और अब यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो यहाँ पर ये पांचों ट्रांजिस्टर ओके है दोस्तों। अब ऊपर वाले ट्रांजिस्टर को यहाँ पर पहले वायर को हटा लेंगे, उसके बाद चेक करेंगे। तो यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर में फॉल्ट लगा है दोस्तों, और इस ट्रांजिस्टर को अब हम निकालेंगे बॉडी से, और यहाँ पर दूसरा ट्रांजिस्टर हम आप लोग को लगा करके और वापस इसे चेक करके दिखाएंगे। तो काफ़ी दिक्कत होने के बाद दोस्तों यहाँ पर पता चला कि ये ट्रांजिस्टर जो कि कोने वाला है ये ख़राब है। तो फाइनली दोस्तों हमने यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर को अब ओपन कर दिया है। ये देखिए 2N3773, आप लोग कैमरा में नंबर दिख रहा होगा दोस्तों, 2N3773 ये ट्रांजिस्टर है। और तो ये ट्रांजिस्टर जो कि ख़राब हो चुका है दोस्तों, मैं अब आप लोग को मीटर से चेक करवा देता हूँ। ये देखिए मीटर यहाँ कंटिन्यूटी रेंज पे सेट है, और यहाँ पर बॉडी पे एक प्रोड रखते हैं और दूसरा प्रोड से चेक करते हैं। ये देखिए दोनों में बीप बज रहा है, यानी कि ये ट्रांजिस्टर पूरा तरह से शॉर्ट हो चुका है दोस्तों। ये बीप नहीं आना चाहिए अगर ट्रांजिस्टर सही होता तो। तो अब इस ट्रांजिस्टर को हम चेंज कर देंगे और हमारा एम्पलीफायर चालू हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर हम इस ट्रांजिस्टर को निकालने के बाद वापस से जैसे वायरिंग हमारा था वैसा ही सेम वायरिंग हम वापस से कर दिए हैं। ये देखिए सारा वायर को जोड़ दिए और सारा रेजिस्टेंस को जोड़ दिए, केवल ये जो एक कोना वाला ट्रांजिस्टर ख़राब था इसे हम निकाल के अभी साइड कर दिए हैं, और इसका वायरिंग अभी ओपन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और अब इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार सीरीज में ही लाइन डाल करके। तो दोस्तों यहाँ पर ये देखिए बॉडी नीचे सर्किट में कहीं टच ना हो, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और अब यहाँ पर हम एक बार एम्पलीफायर को ऑन करके दिखाते हैं। ये देखिए अभी सीरीज में ही हम सॉकेट को लगाए हैं, और ये देखिए पावर जैसे ऑन करते हैं तो ये देखिए पावर वाला एलईडी ऑन हो चुका है और ओवरलोड हमारा छूट चुका है दोस्तों। ये देखिए ओवरलोड ख़त्म हो गया है और पावर ऑन हो चुका है, और यहाँ पर ये फैन भी चल रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। यानी कंफर्म हो गया दोस्तों हमारा ओवरलोड भी ख़त्म हो गया, यहाँ पर यही ट्रांजिस्टर ख़राब था। तो अब यहाँ पर हम इस ट्रांजिस्टर के जगह में नया ट्रांजिस्टर लगा करके और ट्रांजिस्टर केवल रिफ्लेश कर देंगे और हमारा ये एम्पलीफायर चालू हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब मैं नए वाले ट्रांजिस्टर को यहाँ पर लगा करके और आप लोग को दिखाता हूँ। फिलहाल हम एम्पलीफायर को ऑफ़ कर देते हैं और लाते हैं नया वाला ट्रांजिस्टर। अब दोस्तों यहाँ पर अपने मीटर को हम लगा लेते हैं यहाँ पर कंटिन्यूटी रेंज में, ये देखिए। और मैं आप लोग को प्रॉड दोनों से आगे दिखाता हूँ, बीप करेगा, आप लोग सुन रहे होंगे दोस्तों। और अब दोस्तों यहाँ पर मैं इस पुराने वाले ट्रांजिस्टर को हटाता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ ये नया वाला ट्रांजिस्टर, ये देखिए 2N3773। तो यहाँ पर इस वाले ट्रांजिस्टर को हमें लगाना है दोस्तों, तो मैं आप लोग को एक बार इसका टेस्टिंग दिखा देता हूँ, इसे चेक करके इसे चेक कैसे करना है। ये देखिए दोस्तों एक प्रॉड को सटाना है यहाँ पर बॉडी में, और दूसरे से एक पिन में सटाते हैं। तो ये देखिए केवल रीडिंग आकर के मीटर में और ऑफ हो गया, ये बीप नहीं आया। देखिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों, रीडिंग आया और वापस से ऑफ हो गया। ये देखिए सेकंड वाले पे कुछ नहीं आएगा, ये देखिए टेस्टिंग आप लोग देखिए दोस्तों, नया वाला ट्रांजिस्टर को कैसे चेक करना है या खराब ट्रांजिस्टर या नया ट्रांजिस्टर में क्या फ़र्क होता है। ये देखिए एक पिन पर आएगा आपका रीडिंग और वापस से हट जाएगा। और मैं अभी ख़राब जो ट्रांजिस्टर था उसे एक बार दिखा देता हूँ दोस्तों। ये रहा इसका बॉडी में एक पिन लगाते हैं, और यहाँ पर ये रहा पुराना वाला ट्रांजिस्टर दोस्तों जो कि ख़राब हुआ है, और इसका एक बॉडी में हम एक प्रॉड को लगाते हैं और दूसरे प्रॉड से अभी इधर टेस्टिंग करेंगे। दूसरा प्रॉड को यहाँ पर पिन पे लगाते हैं, मीटर को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये देखिए बीप कर रहा है, रीडिंग भी आ रहा है और बीप भी कर रहा है,
यानी कि ये पिन शॉर्ट है और ये दूसरा पिन में लगाते हैं तो इसमें भी रीडिंग भी आ रहा है और शॉर्ट भी है। ये देखिए बीप भी कर रहा है, यानी कि ट्रांजिस्टर पूरा तरह से शॉर्ट हो चुका है एक दूसरे पिन के साथ। तो अभी ट्रांजिस्टर को हटाते हैं दोस्तों और अब यहाँ पर नया ट्रांजिस्टर लाएंगे। और दोस्तों उसमें ये जो सिलिकॉन की पट्टी होती है ये लगाना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके साथ यहाँ पर दोस्तों एक ग्लू आता है मार्केट में, आपको मिल जाएगा ये ग्लू, आप लोग इसको ज़रूर लगाएं। तो दोस्तों ट्रांजिस्टर जब भी चेंज करें ये ग्लू को इसमें ज़रूर लगाएं। और ये ग्लू लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पर ये जो ऊपर से सिलिकॉन की पट्टी है इसे डाल देना है। ये देखिए ये इसके साथ अच्छा से बैठ जाएगा। और अब दोस्तों यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर में ये देखिए इसका जो लेग होता है, लेग्स में छोटा सा स्लीव आपको डालना है दोस्तों, पतला वाला स्लीव। ये देखिए मैं यहाँ पर दोनों पिन पे डाल देता हूँ ताकि ये बॉडी के साथ गलती से भी सटे ना। ये देखिए यहाँ पर इसे लगाने के बाद दोस्तों अब इसको लगा देना है बॉडी के साथ। तो दोस्तों बॉडी में भी थोड़ा सा ग्लू को डाल देते हैं, इसका जो यहाँ पर बॉडी है दोस्तों यहाँ पर हीटिंग में भी थोड़ा सा ग्लू डाल देते हैं। ये देखिए जो केमिकल है और अब दोस्तों यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर को हम सेट कर देंगे। ये देखिए इसका जगह पे आराम से ये बैठ गया है और अब इसका स्क्रू अच्छा से टाइट कर देना है। दोस्तों इतना डिटेल में आपको वीडियो कहीं नहीं मिलेगा जितना डिटेल में मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका ट्रांजिस्टर कैसे चेंज करना है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और डीजे वाले दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस तरह का प्रॉब्लम हर एक डीजे वाला के साथ आता ही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है ये खराब होना तो स्वाभाविक है। तो फाइनली दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमने इस नए वाले ट्रांजिस्टर को अच्छे से लगा दिया है। और अब यहाँ पे इसका कनेक्शन का बारी आया दोस्तों। तो कनेक्शन सेम है, नीचे वाले पिन में आपका रेजिस्टेंस का कनेक्शन जाएगा और ऊपर वाले पिन में जो ड्राइवर किट से आता है आपका फ्रिक्वेंसी, ये देखिए ऊपर वाले पिन में जाएगा और यहाँ पर बॉडी अर्थिंग हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, तो चलिए मैं आप लोग को सोल्डिंग करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये रहा जो ड्राइवर किट से आया है वो वायर, और नीचे वाले पिन पे दोस्तों यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को सोल्डिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कनेक्शन बिल्कुल ओके हो चुका है। अब एक बार एम्पलीफायर को हम खुले में ही टेस्ट कर लेंगे, उसके बाद इसे बॉडी में फिट कर देंगे। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर कनेक्शन ओके हो चुका है और अब इसको एक बार टेस्टिंग कर लेते हैं दोस्तों ऊपर से ही, उसके बाद यहाँ पर बॉडी पे फिट कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमने सेफ्टी के लिए कहीं बॉडी टच ना हो उसके लिए यहाँ पर पेपर डाल दिया बीच में और यहाँ पर पीछे साइड भी हमने पेपर डाल दिया है। ये देखिए, और अब एम्पलीफायर को दोस्तों हम ऑन करके देखते हैं। दोस्तों पहले तो सीरीज में ही ऑन करेंगे,
उसके बाद इसको मेन लाइन से ऑन करके देखेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा एम्पलीफायर बिल्कुल सक्सेसफुली ऑन हो चुका है और सीरीज बल्ब जल रहा है दोस्तों, लेकिन बिल्कुल कम रोशनी में। फाइनली दोस्तों हमने यहाँ पर टेस्टिंग कर लिया है, ये देखिए ऑन वाला इंडिकेटर जल रहा है और ये ओवरलोड वाला इंडिकेटर ऑफ हो चुका है। और यहाँ पर दोस्तों पंखा भी चालू हो चुका है और यहाँ देखिए यहाँ पर बल्ब थोड़ा सा लाल हुआ है दोस्तों, और ये जो लाल हुआ है ये जब एम्पलीफायर एम्पियर खींचता है तो ये इतना लाल होगा, और जब दोस्तों इसको मेन लाइन से चलाएंगे तो ये देखिए पंखा थोड़ा स्पीड घूमेगा। तो इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं दोस्तों जैक डाल के। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों हमने इनपुट पे एक जैक लगा दिया है, और अब यहाँ पे हम मास्टर वॉल्यूम को बढ़ा देंगे और इसको इंडिकेटर को ये देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों, ये देखिए हमारा एम्पलीफायर अभी काम कर रहा है। तो दोस्तों इसको फिटिंग कर लेंगे और इसके बाद आप लोग को स्पीकर भी चला करके दिखा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर स्पीकर 4 पीस पड़ा हुआ है जो कि रिपेयरिंग में आया था और हमने इसको रिपेयर कर दिया है अच्छा से। और यहाँ पर देखिए अभी भी 2 स्पीकर रिपेयरिंग में ही है, यहाँ पर इसमें पेपर लगाए हैं और इसको भी अभी रिपेयरिंग करना है। तो अगर आप लोग को स्पीकर रिपेयरिंग का भी वीडियो देखना है तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल पे ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो आते रहते हैं। तो अब दोस्तों इस फ्रेम को हम इसके जगह पे बैठा देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों ये अपने जगह पे अभी बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है, और इसको देख लेना है दोस्तों कहीं वायर दब उब ना गया हो, तो इसका टेस्टिंग आपको अच्छे से कर लेना है। और इसके बाद अब इसके पीछे में जो स्क्रूब लगे हुए हैं उन स्क्रूब को अच्छे से टाइट कर देंगे, उसके बाद मैं आप लोग को टेस्टिंग लास्ट में दिखा दूंगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और डीजे वाले दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसा वाला प्रॉब्लम डीजे वाले दोस्तों के साथ आता रहता है ये कंपलसरी है, तो वो अपना एम्पलीफायर का रिपेयरिंग घर पे ही अच्छा से कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने कनेक्शन कर दिया एक स्पीकर के साथ में, ये देखिए जो कि बिल्कुल नया स्पीकर है, रिकॉन किया है मैंने इसको। और अब इसमें दोस्तों मैं एक म्यूजिक प्ले करता हूँ। सबसे पहले एम्पलीफायर में हम लाइन देते हैं, ये देखिए सीरीज वाले कनेक्शन से ही पहले लाइन देंगे और इसको यहाँ पर ऑन करेंगे। ये देखिए एम्पलीफायर अभी हमारा ऑन हो चुका है और यहाँ पर हम म्यूजिक को प्ले करेंगे दोस्तों। ये देखिए म्यूजिक प्ले है और अब यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अभी हमारा स्पीकर सही सलामत बज गया, यहाँ पर एम्पलीफायर भी हमारा ऑन हो चुका है। अब दोस्तों इसको हम डायरेक्ट लाइन पे डालते हैं। तो सबसे पहले स्विच को एक बार ऑफ कर लेंगे और इसको सीधे ही लाइन वाले सॉकेट में डाल देते हैं दोस्तों। ये देखिए इसमें डायरेक्ट लाइन है और अब इसमें ऑन करते हैं। तो ये देखिए हमारा एम्पलीफायर में भी लाइन आ चुका है, पंखे का आवाज़ आप सुन सकते हैं। और अब यहाँ पर हम म्यूजिक को प्ले, म्यूजिक तो प्ले है दोस्तों, और यहाँ पर आप वॉल्यूम को उठा देते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोग अभी टेस्टिंग भी करवा दिया हूँ स्पीकर बजा के, हमारा एम्पलीफायर बिल्कुल 100% सही हो चुका है और अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा डीजे वाले दोस्तों के साथ, और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।